ले लीजिए प्लास्टिक पकड़िए अपना, चलिए पैसा लाइए पैसा। अब वीडियो बना रहे हैं मैडम, बड़ी अच्छा रहा। भाई साहब बंद कीजिए ना। अरे इसे कहा है बंद कर। अरे बंद कीजिए ना, देखिए अरे प्लास्टिक को लुकाइए ना मैडम, देखिए इतना में काम हो जाएगा। स्वच्छता को लेकर सिंघिया नगर पंचायत में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया नगर पंचायत में स्वच्छता को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाया गया। प्लास्टिक पन्ने का इस्तेमाल नहीं करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया, साथ ही सूखा कचरा एवं गीला कचरे के बारे में जानकारी दी गई। दो चार को था तो लेते के साफ कर दिए, देखिए लेते के साफ कर दिए ना भाई साहब। हाँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 23 दिसंबर 2018 में जो अधिनियम लागू हुआ था और फिलहाल में 1 जुलाई 2022 में उन नियम को निर्माण किया गया और कहा गया कि आप प्लास्टिक अगर लेते लेते पकड़े जाएंगे तो 5,000 का जुर्माना 500 रुपया तक लग सकता है। हाँ, जैसे बेचने वाले भाई साहब को 5,000 और लेने वाले भाई साहब को 500 रुपया का जुर्माना, समझे कि नहीं समझे। प्लास्टिक से बहुतों बीमारी होती है, जमीन को बंजर बना देती है। हाँ। जैसे कि प्लास्टिक आप देखिएगा देहात में, देहाती क्षेत्र में, कि महिला जब खाना बनाते हैं ना चूल्हा पे, चूल्हा में ना प्लास्टिक को डाल देते हैं। हाँ। प्लास्टिक को डाल देते हैं तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है जिससे कैंसर होने का डर है। इसीलिए आप हमेशा अपने जब भी मार्केट में निकलिए तो थैला लेकर निकलिए, ना कि आप प्लास्टिक का सामान। जी मैडम जी, आप लोग जब भी बाजार जाइएगा तो थैला लेकर जाइएगा, प्लास्टिक का सामान नहीं लाइएगा। और समझ गए, समझ गया ना, समझ गए। ठीक कीजिए। अरे हमार कर्म पकड़ के करेगा। अब मैं ना ठीक है, जाइए मैडम जी, जाइए थैला लेकर आइएगा। अरे नया नया कानून बना है, नाटक वाले बताएंगे। अरे नया नया कानून बना है, नाटक वाले बताएंगे। अरे घरों से चल कर जाएंगे, चीज का नुक्कड़ नाटक चल रहा था। ये स्वच्छता से संबंधित नुक्कड़ नाटक चल रही है नगर परिषद नगर पंचायत सिंघिया के द्वारा, नगर पंचायत सिंघिया के द्वारा। जैसा फिर लिखा हुआ है कि फिर होगी स्वच्छता की जीत। नुक्कड़ नाटक करने का उद्देश्य यही है कि अपने आसपास में अपने शहर को, सिंघिया नगर पंचायत को साफ सफाई रखें और इधर उधर गंदगी ना फेंके। जब भी कचरा को फेंकना हो तो डस्टबिन में ही फेंके। नगर पंचायत के द्वारा लोगों तक दो दो डस्टबिन पहुँचाई गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक नीला डस्टबिन है, एक हरा डस्टबिन। तो लोगों को गा बजा करके यह संदेश दिया जा रहा है। और हम लोग पटना के कलाकार आर्टिस्ट हैं, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा, विकास कुमार है और संजना कुमारी, संटू कुमार और काजल कुमारी।